हेलो फ्रेंड्स, महिमास कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं किचन के ऐसे अमेजिंग टिप्स लेके आई हूँ जो बहुत यूज़फुल हैं और आपके डेली के काम को भी आसान करेंगे। आज मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मटर की कुछ ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो बहुत झटपट बन जाती हैं और स्वादिष्ट भी लगती हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है टिप नंबर 1। तो दोस्तों, आजकल कुछ बच्चे मटर बिल्कुल नहीं खाते, उनको बिल्कुल पसंद नहीं रहता अगर हम सब्जी में डालते हैं तब भी, और निकाल कर फेंक देते हैं। तो इसलिए मैं झटपट बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, फिर उसके बाद जीरा डाला है। अब जीरा चटकने लगा, अब हम इसमें मटर डालेंगे। तो मैंने एक कटोरी मटर लिया है, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं इसको। अब इसको चलाते जाएंगे, इसको धीमी आंच पर ही रखेंगे और इसको लगातार हम चलाते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे मटर भुन गए हैं, अब हम इसमें कुछ मसाला डालेंगे। तो मसालों में हमें चाहिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमें एक मिनट ही चलाना है कि थोड़े से मसाले भुन जाएं इसके। इसके बाद हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे मसाला वाले मटर बिल्कुल बनके तैयार हैं। इसको आप कभी भी बना सकते हैं, ये बहुत झटपट भी बन जाते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये मटर की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजें। अब है टिप नंबर 2। तो दोस्तों, इस टिप में मैं आपको इडली बनाना बताऊंगी। ये बहुत इजी है बनाना, बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगती हैं। तो इनको आप कभी भी बना सकते हैं, ये झटपट भी बन जाती हैं और देखिए ये कितनी सॉफ्ट भी बनी हुई है हमारी इडली। तो इडली बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। तो सूजी मैंने 2 कप ली है। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। तो दही मैंने 1 कप लिया है और इसको हम पहले ऐसे ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिना पानी डाले। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। अभी हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही बैटर बनाना, ज़्यादा पतला नहीं करना बैटर को। तो दोस्तों, जब भी आप सूजी की इडली बनाते हैं तो मटर का सीजन है, तो आप मटर इसमें डाल सकते हैं। ये हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी होती हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, तो आप इनको कभी भी बना सकते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो अब मैंने मटर ले लिया था, मैंने 1 कप मटर लिया है और इसको अच्छे से पीस लिया था। अगर आपका मटर पतला नहीं पिसता, दरदरा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी आप पीस सकते हैं और इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लें। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा मटर पिस गया है। अब 10 मिनट हो गए हैं, अब हम सूजी के बैटर को देखेंगे। अब हम इसमें जो मटर का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, पहले हमें ऐसे ही मिक्स करना है बिना पानी के, फिर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी डालेंगे। अभी हमारा बैटर गाढ़ा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब मैंने जो मटर पीसे थे उसी जार में पानी डाल दिया है, उसमें जो थोड़ा सा पेस्ट चिपका हुआ था वो भी इसमें निकल गया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी भी हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, हम इसमें और पानी डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने अनुसार ही डालें। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। तो मैंने तड़का कैसे तैयार किया वो मैं आपको बताती हूँ कि एक छोटी कढ़ाई ली थी, उसमें थोड़ी सी हींग, जीरा, राई और थोड़ी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, ये सारे डाल दिए थे। तो हमारा तड़का बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तड़का आप लगाएंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप इसको तड़का डाल के ही बनाएं। अगर आप तड़का नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। अब मैं बैटर को आधा आधा कर लूँगी, आधे से कोई दूसरी डिश बनाऊँगी, आधे से इडली बनाऊँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको आधा कर लिया है।
जो भी इडली स्टैंड है उसमें हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो मैं इसको माइक्रोवेव में बना रही हूँ। अगर आप इसको गैस पे बनाना चाहते हैं तो आप इसको गैस पे भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अब मैंने हमारा बैटर ले लिया है। अब इसमें हम इनो डालेंगे। इनो डालने से ये अच्छा फूल जाता है जिससे इडली हमारी सॉफ्ट आती है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है जिससे कि हमारा बैटर बिल्कुल फूल जाए। तो देखिए दोस्तों हमारा बैटर कितना अच्छा फूल गया है। अब हम इसको इडली स्टैंड में डालेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा बैटर कितना अच्छा फूल गया है। हमारी इडली बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो आप इसमें इनो ज़रूर डालें जिससे कि इडली बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी आपकी। तो देखिए दोस्तों मैंने 4 मिनट ही माइक्रोवेव में रखा था और हमारी इडली बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं चिपकती, इसने साइड्स भी छोड़ दिए हैं। दोस्तों ये एक दूसरे इडली स्टैंड पे भी बन जाएंगी, जैसे गैस वाले इडली स्टैंड होते हैं या दूसरे भी इडली स्टैंड होते हैं। तो आप इनको किसी पे भी बना सकते हैं। ये इतने ही सॉफ्ट बनेंगी और ऐसे ही टेस्टी बनेंगी। तो देखिए दोस्तों हमारी गर्मा गर्म इडली बिल्कुल बनके तैयार है। ये बहुत सॉफ्ट भी हैं और टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। इनको आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये टिप आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजें। अब है टिप नंबर 3। इस टिप में मैं आपको मटर के अप्पे बनाना बताऊंगी। ये भी बहुत टेस्टी हैं और हेल्दी भी हैं। इडली भी बहुत टेस्टी थी और हेल्दी भी हैं। तो जो भी मैंने मटर की सारी रेसिपी बताई हैं वो सारी हेल्दी रेसिपी हैं और टेस्टी भी हैं। ये भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप इनको कभी भी बना सकते हैं, कभी भी स्नैक्स में बना सकते हैं। ये झटपट बन जाते हैं। तो ये मैंने बैटर ले लिया है। जो हमने आधा बैटर बचाया था जब हम इडली बना रहे थे तब हमने आधे की इडली बना ली थी और ये आधा बैटर बच गया था। तो अब हम इसके अप्पे बनाएंगे। तो अप्पे बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और मैंने थोड़े से कॉर्न लिए हैं वो भी इसमें डाल दूंगी। आप दूसरी सब्जियां भी इसमें डाल सकते हैं जैसे गाजर है या दूसरी सब्जियां जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, काजू किशमिश भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें इनो डालेंगे। अब मैं इसमें इनो डालूंगी। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है जिससे कि हमारा बैटर अच्छे से फूल जाए। तो देखिए दोस्तों हमारा बैटर बिल्कुल फूल गया है। अब हम इसके अप्पे बनाएंगे। अब मैंने अप्पे स्टैंड को गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। तो हमें एक एक करके सब में डाल देना है। इसको पूरा फुल नहीं बनना, इसको थोड़ा सा खाली रहने देना है क्योंकि हमारे अप्पे थोड़े से फूलेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा कम भरना है इसको। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब 4 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब हम इनको चेक कर लेंगे। अगर नीचे से थोड़े से ब्राउन हो गए हैं तो हम इनको पलटा देंगे। अगर नहीं हुए तो आप थोड़ा सा और सिकने दें इनको। तो देखिए मेरे अप्पे बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको पलटा देंगे। पलटाने के बाद भी हमें इनको 3-4 मिनट तक ढक के रखना है जिससे कि ये दूसरी साइड से भी सिक जाएं। अब फिर से 4 मिनट हो गए हैं। अब इनको हम फिर से चेक कर लेंगे। अगर थोड़े से ब्राउन हो गए हैं तो इसका मतलब हमारे अप्पे बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे अप्पे बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट बन जाते हैं। आप इनको कभी भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे अप्पे कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो आप इनको कभी भी बना सकते हैं। ये सारी रेसिपी बहुत हेल्दी हैं और ये झटपट भी बन जाती हैं। तो आजकल सर्दियों में बहुत मटर आ रहे हैं तो आप इनको कभी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये टिप्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी और टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।